हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक चर्चा करेंगे कि बीबीएम के यू में आप सबों का डिमांड हो रहा था कि सर रूरल मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन बनाइए। रूरल मार्केटिंग का बीबीएम के यू में केस पेपर भी नहीं आया, ना कोई बुक्स है और ना ही सिलेबस ही हमें पता है। तो सर प्लीज़ जो है रूरल मार्केटिंग पर जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लीजिए। देखिए बच्चों, रूरल मार्केटिंग पर अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जब ना किताब है, ना सिलेबस कंप्लीट है और ना ही कोई गेस पेपर है, ऐसे में ये अनुमान लगा पाना कि रूरल मार्केटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है और ये बहुत उलझा हुआ और रिस्क भरा काम हो जाता है, बहुत जोखिम भरा काम होता है। लेकिन देखो, आज हम सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो देंगे ही देंगे, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम रूरल मार्केटिंग के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से इस रूरल मार्केटिंग का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि बीबीएम के यू में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे जो है वो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको तो मेहनत ही नहीं पड़ेगा, आप तो बहुत आसान से जो आपके आसपास की घटनाएं हो रही हैं आप उन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के तौर पर लिख करके आप बहुत अच्छे से ये एग्ज़ाम करके आ सकते हो। अगर आप मेरा ये कंप्लीट वीडियो देख रहे हो बिना स्किप किए, तो आपको मैं जो बता रहा हूँ आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। आपका रूरल मार्केटिंग, आप कुछ भी पढ़ के मत जाओ, आप माइंड सेट कर लेना कि हाँ आपको लिखने आना चाहिए, और क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे लिखना है। देखो बच्चों, जैसे ही हम बात करते हैं रूरल, रूरल वर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रामीण परिवेश, और मार्केटिंग का मतलब तो तुम जानते ही हो। तो ग्रामीण इलाकों में मार्केटिंग कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको ग्रामीण इलाकों को समझना पड़ेगा, और ग्रामीण इलाकों को टारगेट रखते हुए फिर आपको देखना हो कि वहाँ मार्केटिंग कैसे होता है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग मतलब समझते हो, लोगों के डिमांड को देखना कि लोग क्या चाहते हैं, उनका ज़रूरत क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस क्वालिटी का गुड्स पसंद करते हैं, यहाँ से शुरू होता है मार्केटिंग का काम। और उनके अकॉर्डिंग, उनके ज़रूरतों के अनुसार वस्तु का उत्पादन करना, गुड्स का प्रोडक्शन करना, और प्रोडक्शन करने के बाद एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों के पास वो माल पहुंचाना, बेचना, और बेचने के बाद भी मार्केटिंग का काम ख़त्म नहीं होता, उन लोगों से फीडबैक लेना कि लोगों को मेरा बनाया हुआ सामान पसंद आ रहा है या नहीं, और अगर नहीं आ रहा है तो इसमें क्या सुधारने की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। यानी किसी वस्तु के उत्पादन करने से पहले, गुड्स के प्रोडक्शन करने से पहले, है ना, कि लोगों को क्या चाहिए, उनका डिज़ायर प्रोडक्ट क्या है, क्या चाहते हैं वो, यहाँ से शुरू होता है मार्केटिंग। और प्रोडक्शन से लेकर माल सप्लाई करने तक, और सप्लाई करने के बाद फीडबैक तक, यहाँ तक काम किसका होता है? मार्केटिंग का होता है। तो ध्यान रखिएगा मार्केटिंग क्या होता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। यानी अब जरा सोचो कि आपके किताब का नाम क्या है? रूरल मार्केटिंग, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केटिंग कैसे होता है। तो आप ही जरा सोचिए, जो अर्बन एरियाज हैं और जो रूरल एरिया है, इन दोनों में मार्केटिंग का तरीका एकदम अलग होता है, एकदम डिफरेंट होता है। गांव में जो लोग होते हैं ना, वो डिपेंड होते हैं पूरी तरह से, ज़्यादातर लोग डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट हैं खेती के ऊपर, एग्रीकल्चर जिसे आप कहते हो, मजदूरी के ऊपर, या नहीं तो छोटे छोटे व्यापार करके वो अपना गुजारा कर रहे होते। यानी हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले ज़्यादातर व्यक्तियों का जो मंथली इनकम है, आय का स्रोत है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है? कम होता है। तो वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं उसी संसाधन में, उसी कमाई का जो जरिया उनका है, उसमें ही अपने अपनी ज़रूरतों को वो पूरा करना चाहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर गांव में एक मज़दूर है जो 200 रुपए एक दिन का कमाता है, तो आप सोचो कि अगर हम शैम्पू की मार्केटिंग करने जाएं, अगर आप शैम्पू बेचना चाहते हो तो आप पाउच का शैम्पू बेचोगे रूरल एरिया में, या फिर बॉटल वाली शैम्पू बेचोगे? आप जरा सोच के देखो।
एक मजदूर जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद अगर वो 200 या 300 रुपए अगर अर्न करता है तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को एक शैम्पू का डब्बा 300 रुपए का लेके जाऊंगा, कभी डिसाइड नहीं करेगा वो। इसका मतलब है बाल उसे भी धोना है, शैम्पू तो इस्तेमाल वो जरूर करेगा, लेकिन ग्रामीण परिवेश में, रूरल मार्केटिंग में हम किस पे फोकस करेंगे? पाउच वाली शैम्पू पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यानी अगर हम एक शैम्पू बनाने वाली कंपनी है तो ग्रामीण इलाकों में मार्केटिंग शैम्पू अगर करना चाहते हो शैम्पू का मार्केटिंग, तो किसका करोगे? पाउच वाले शैम्पू का जो सेल है वहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मार्केटिंग वहाँ आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर ठीक आप अर्बन एरिया में चले जाते हो तो लोगों का इनकम का जो सोर्स है वो ज़्यादा है, लोगों का मंथली इनकम ज़्यादा है, तो ऐसे में लोग जो है वो पाउच वाला शैशे का जो शैम्पू है वो यूज़ नहीं करना चाहते, वो क्या करेंगे? बॉटल यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक एग्जांपल में देख रहे हो कि दोनों एरिया, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो तुम्हारा अर्बन एरिया हो, दोनों का मार्केटिंग क्या है? अलग अलग है। तो आप कैसे कह सकते हो कि दुनिया में हम कहीं भी चले जाएंगे मार्केटिंग जैसा करोगे? तो चूंकि इनकम का सोर्स, इनकम का लेवल अलग अलग है, तो मार्केटिंग का तरीका भी अलग अलग होगा। अब आपको दो चीज मैंने बता दिया कि देखो बाबू, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब कि लोगों को क्या चाहिए इस बात को ढूंढना, उनके अकॉर्डिंग जरूरत का सामान उत्पादन करना, फिर लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना, फिर लोगों को माल बेचना, बेचने के बाद जब वो काम का इस्तेमाल करने लगे तो फीडबैक लेना कि आपको ये सामान पसंद आ रहा है या नहीं, अगर इसमें कोई सुधार करना है, मूल्य ठीक है, कीमत ठीक है कि नहीं, कीमत को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, आपको प्रोडक्ट में कोई चेंजेस तो नहीं चाहिए, इन सभी बातों को फीडबैक लेकर के आना और कंपनी को इन्फॉर्म करना, ताकि कंपनी अपने ज़रूरत के अनुसार, है ना, ये देखते हुए फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकती है। ये पूरा बात आप ख्याल रखिएगा, इस पूरे स्टेप को हम मार्केटिंग कहते हैं। अब यही मार्केटिंग शहरों में कैसे करोगे? अर्बन मार्केटिंग। और यही मार्केटिंग गांव में कैसे करोगे? इंटीरियर इलाकों में कैसे करोगे? उसको हम कहते हैं रूरल मार्केटिंग। तो अर्बन और रूरल मार्केटिंग तो समझ में आ गया, तो आपके माइंड में एक चीज आ गया होगा कि जब हम रूरल मार्केटिंग का कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे, कोई भी आंसर लिखेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम गाँव के लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके, है ना, जो डिमांड है उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसा सामान चाहते हैं, उनका इनकम लेवल कैसा है, है ना। तो ऑब्वियसली इनकम लेवल क्या होगा? कम होगा ज़्यादातर लोगों का, गांव में भी लोग अमीर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का इनकम लेवल जो होता है वो एवरेज या नहीं तो कम होता है। तो ऐसे में उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही उनको हमको सामान देना है, तो ऐसे में तो मार्केटिंग कैसे करोगे? बस इस बात का आपको ख्याल रखना है, दिल में बसाओ, मन में बसाओ कि हाँ, जो हम मार्केटिंग पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में ही लिख करके आएंगे। इसके बाद आप एग्जाम में बैठिए, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका एक भी क्वेश्चन खाली नहीं जाएगा, आप अच्छे से कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे, आपका कॉपी तो खाली नहीं जाएगा। ये उन बच्चों के लिए मेरा वीडियो है जो आखिरी मोमेंट पर, आखिरी बॉल पर आखिरी छक्का लगाना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम अब कि आखिर रूरल मार्केटिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम थोड़ा चर्चा इस बात पर भी कर लें। देखिए, अगर हम आज की विशेष चर्चा करें कि रूरल मार्केटिंग के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं BBMKU 2023 के अंदर, जो धनबाद और पूरे बोकारो जिले को कवर करता है, तो हम आज उसी पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल मार्केटिंग। तो जो मैंने आपको सिखाया, आप तो उतने में आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है। फिर उसको नेचर कहता है, उसका नेचर बताइए, उसका स्कोप बताइए, और साथ ही साथ उसका इंपॉर्टेंस बताइए। तो ये बाबू मेरा पहला क्वेश्चन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रूरल मार्केटिंग एंड अर्बन मार्केटिंग, यानी शहरों में मार्केटिंग किस प्रकार किया जाए और गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केटिंग किस प्रकार किया जाए, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आप जाएंगे आप तो कहता है आपसे व्हाट इज रूरल मार्केटिंग मिक्स। देखो मार्केटिंग मिक्स आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, 12 के बिजनेस स्टडीज में था, तो वही मार्केटिंग मिक्स है। बस ध्यान रखना है कि मार्केटिंग मिक्स करना है किसके साथ, लेकिन रूरल से रिलेटेड कर, उसको रिलेट कर देना है रूरल एरिया से। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनल सेलिंग। निजी तौर पर आपने गांव में देखा होगा कि गांव में जब सेल्समैन माल बेचना चाहते हैं ना, तो वो डोर टू डोर बेचते हैं, जैसे फेरी वालों को आपने देखा होगा, है ना। तो वो डोर टू डोर जो है एक एक दरवाजे दरवाजे पर घूम घूम करके जो है वो अपना माल बेचना पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को भी आपने देखा होगा कि अगर वो अपने गाँव को टारगेट करते हैं ना, तो गाँव में डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसे में पर्सनल टच का फीलिंग होता है कि हाँ भाई मुझे कोई वैल्यू मिल रहा है। तो ऐसे में गांव के परिवेश में पर्सनल सेलिंग का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप किसी शहर में जा करके पर्सनल सेलिंग करोगे तो घर में ज़्यादातर लोग तो ऑफिस में होते हैं, घर में तो होते ही नहीं है। दिल्ली मुंबई कोलकाता किसी भी चले जाओ मेट्रो सिटीज़ में, तो सुबह लोग 8 बजे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, शाम को 6 बजे आते हैं, तो वहाँ तो तुम पर्सनल सेलिंग चाहोगे भी तो नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि पर्सनल सेलिंग का फोकस ज़्यादातर कहाँ होता है, गाँव पर होता है। पर्सनल सेलिंग का मतलब निजी तौर पर जा करके डोर टू डोर मिल करके लोगों को माल बेचना। तो बोला पर्सनल सेलिंग क्या होता है, इसकी क्वालिटीज बताइए, और है ना डिस्कस क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन इन रूरल मार्केटिंग। यानी पर्सनल सेलिंग का ज्यादातर फोकस कहां होता है, तो रूरल मार्केट के ऊपर इसका बहुत बड़ा फोकस होता है। तो आपसे पूछा गया कि पर्सनल सेलिंग क्या होता है, और एक सेल्समैन है अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका रूरल मार्केटिंग में कैसे क्या रोल है। तो एक चीज तो आपको ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होगा व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स इन रूरल मार्केटिंग। ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स तो आप समझते हो जैसे आज के ज़माने में फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन या और भी जितने इंटरनेट वेबसाइट वाली कंपनीज हैं, है ना, उसको हम ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिकली जो बिजनेस हो रहा आज के टाइम में हम उसको ई कॉमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसका जो हमारा रूरल मार्केटिंग है उसका क्या बेनिफिट है। यानी आप एक समय तक देखते थे कि अमेज़ॉन मिंत्रा फ्लिपकार्ट इन सभी वेबसाइट से हम सामान मंगवा सकते थे, लेकिन एक वो समय था जब इन सभी कंपनियों का एरिया लिमिट कहाँ तक था, तो जो अर्बन मार्केट थे वो उन पर फोकस करते थे, है ना। यानी अगर आपको इन वेबसाइट से कुछ भी मंगाना है तो अगर आप शहरों में रहते थे तो वो गुड्स और की डिलीवरी आपको मिलती थी, अगर आप रूरल एरियाज में थे तो ऐसे में गुड्स की डिलीवरी नहीं मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे करके दायरा बढ़ता चला गया और कहीं ना कहीं इन बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत के गांव गांव तक में जा करके अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी पड़ रही है आज के टाइम में। तो आखिर कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो ई कॉमर्स है वो कहीं ना कहीं वो कहाँ घुस चुका है आज के टाइम में। तो आप कह सकते हो कि हमारे रूरल एरियाज में भी आकर के एंट्री कर ली है उसने। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि व्हाट आर द बेनिफिट, क्या फ़ायदा है ई कॉमर्स का अगर वो रूरल मार्केटिंग में आ रही है तो उसका क्या फ़ायदा है। आपको सिर्फ फायदा बताना है, नुकसान नहीं बताना है, तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों देख के चलना है यहाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट चैलेंजेस द मार्केटर फेस व्हाइल मूविंग रूरल कंज्यूमर। यानी अगर एक मार्केटर किसको बोलते हैं, जो मार्केटिंग करता है, मुझे मान लो मुझे किसी गाँव में जाना है ये एनालिसिस करने के लिए कि वहां के लोग क्या चाहते हैं, तो मुझे पर्सनली कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे फेस करने पड़ेंगे, तो वो चीज आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। जैसे मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है एरिया का, मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को समझाने के लिए, क्योंकि लोग जो है पढ़े लिखे हैं नहीं सपोज करो बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में अपने प्रोडक्ट को समझाना मुझे बहुत मुश्किल हो पा रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये सब परेशानियाँ हैं। तो इन्हीं परेशानियों को आपको इसमें यहाँ पे आपको लिखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द कंज्यूमर बिहेवियर्स इन रूरल मार्केटिंग। यही चीज, इसी चीज का ये एक्सटेंशन है क्वेश्चन, कि जब आप रूरल में मार्केटिंग करने जाते हो, ग्रामीण इलाकों में जब आप मार्केटिंग करने जाते हो, तो उस स्थिति में जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द की पॉइंट टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग और प्रोडक्ट इन रूरल मार्केटिंग। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन आपसे, कि अगर हम कोई एक प्रोडक्ट है जब तैयार कर रहे हैं, तो किसी एक प्रोडक्ट का उत्पादन करते समय, प्रोडक्शन करते टाइम में जब आप रूरल मार्केटिंग में उस प्रोडक्ट को भेजोगे, तो आपको किन किन बातों का ख्याल जो है अपने माइंड में रखना चाहिए जब आप उसको रूरल मार्केट में आप उसको भेजना चाहते हो उस वक्त। यानी कुल मिलाकर ये 8 क्वेश्चंस है जिसके आने की संभावना रूरल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, कि रूरल मार्केटिंग में कोई भी क्वेश्चन गैस नहीं हो सकता कि मैंने ये 8 क्वेश्चन बता दिया एग्जैक्टली ये आ जाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन क्वेश्चन याद रखना कि क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा अगर आप इतना कर लोगे। जैसे देखो क्या बोला गया, ई कॉमर्स का रूरल मार्केटिंग में क्या बेनिफिट है, तो आपसे पूछ सकता है कि इसका एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है वो बता दीजिए आप। रूरल मार्केटिंग क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे तो इसमें पूछा गया कि रूरल मार्केटिंग क्या होता है। कभी किसी में क्वेश्चन पूछ दिया कि रूरल मार्केटिंग क्या है, उसके इंपॉर्टेंस को बताइए। फिर बोल दिया रूरल मार्केटिंग क्या है, अर्बन मार्केट से इसको कंपेयर कीजिए। तो क्वेश्चन जितना मैंने बताया अगर आप उतना कर लोगे, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि क्वेश्चन टू द पॉइंट भले ही ना आए, लेकिन आपका एग्जाम खराब नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार कमेंट किया, और ना चाहते हुए भी मुझे आपके डिमांड को फुलफिल करने के लिए आना ही पड़ा। तो लगातार आप ऐसे ही अपना प्यार और अपना विश्वास हमारे चैनल पर बनाए रखिए, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और हम ना चाहते हुए भी आपके लिए काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे ज़्यादा और इससे बढ़िया एक एडुकेटर को क्या चाहिए। और तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।